बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है आरएनए। अब जानते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए की फॉर्म जो होती है वो होती है राइबो या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये राइबोज आरएनए मोस्टली जितने भी आरएनएस हैं, ठीक है, देखिए डीएनए जो होता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी आरएनएस हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखें आरएनए जो है, आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। और आरएनए जितने भी आरएनएस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। देखो इसका जो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन होता है रियो वायरस, जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। मतलब आरएनए होता है लेकिन वो डबल स्टैंड हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्शन है इसका रियो वायरस। अब देखें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज है तो इसका जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो नाइट्रोजन बेसिस से बनता है प्लस शुगर से बनता है, पेंटोज शुगर होती है, और इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर जो उसमें प्रेजेंट होती है वो होती है राइबोज, राइबोज ये 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है, राइबोज शुगर, तो वो इसमें प्रेजेंट होती है। और नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं इसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये 4 तरह के इसमें नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कभी भी इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कभी भी इस तरह से नहीं बनते हैं, ए डबल बॉन्ड यू या सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड तो कॉम्प्लीमेंट्री, इसके सामने न्यूक्लियोटाइड कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसमें ये बॉन्ड कभी भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है, और जो कि 5 कार्बन की होती है। चलो आरएनए के फंक्शंस की बात करते हैं। देखो आरएनए के फंक्शन की अगर बात करें, देखो इसके स्ट्रक्चरल फंक्शन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या, ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। देखो आरएनए की जो यूनिट्स होती हैं वो मिलके हमारा आरएनए बनाती है, तो राइबोसोम्स की जो यूनिट होती हैं वो आरएनए से बनी होती है, आरएनए और प्रोटीन से बनती है, तो उसमें आरएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आरएनए जो है राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इनकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो जो न्यूक्लियोलस है उसमें बनती है। देखा ये किसी भी रिएक्शन के लिए एंजाइम्स बायोजाइम्स की तरह भी काम करता है, ठीक है, जैसे एंजाइम्स में अगर कोई बात करें एंजाइम, तो एंजाइम यहाँ पर राइबोजाइम हमारा आरएनए से बना हुआ होता है। अगर ये जेनेटिक
जेनेटिक्स में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है, मतलब जेनेटिक्स भी मेंटेन करता है, जैसे एग्जांपल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। तो किस में काम करता है, देखो वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा आरएनए होता है, और ये अडेप्टर की तरह भी काम करता है, कैरी लोडिंग और कैरी करने का काम करता है अमीनो एसिड्स के। तो उसके लिए जैसे एग्जांपल टीआरएनए लोडिंग का काम करता है अमीनो एसिड्स की, अडेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें कि डीएनए जो होता है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो वो काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम डीएनए में होता है। लेकिन ये डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, लेकिन ये डीएनए मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ सकता है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को बाहर लाने के लिए ये डीएनए जो है आरएनए इसको भेजता है। तो आरएनए क्या है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, केमिकली आगे पहुंचाने के लिए आरएनए काफ़ी, मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनको आरएनए आगे पास कर सकता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर पास कर सकता है, ठीक है। तो आरएनए जो होता है वो डीएनए से ज़्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। चलो देखो इन्फॉर्मेशन, आरएनए के टाइप की अगर बात करें, आरएनए दो टाइप के होते हैं, आरएनए दो टाइप के होते हैं, एक होता है जेनेटिक आरएनए, और एक होता है ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जेनेटिक, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आरएनए जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो जेनेटिक आरएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए की एब्सेंस के अंदर हमारा जो आरएनए है वो एज जेनेटिक आरएनए भी काम करता है, जैसे एग्जांपल वायरस इन एब्सेंस ऑफ डीएनए में, जैसे एग्जांपल वायरस। इसके अलावा नॉन जेनेटिक आरएनए, जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है, तो ऐसे जो आरएनएज हैं उनको कहते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, तो नॉन जेनेटिक आरएनएज कौन से होते हैं, तो देखो एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, ये जो आरएनएज हैं ये नॉन जेनेटिक आरएनएज होते हैं, ठीक है। और वायरसेस के एग्जांपल की बात करें तो रेट्रो वायरस, रियो वायरस, टबैको मोजैक वायरस, क्यूबी, मतलब काफ़ी सारे आपके अलग अलग बैक्टीरियोफेज के अंदर भी, बैक्टीरियोफाज जो होता है उसके अंदर भी हमारे ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डीएनए एब्सेंस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वहाँ पे काम करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो दोबारा से रिवाइज करो, रेट्रो वायरस जो कि अपना एड्स के जो वायरस होता है, एचआईवी वायरस, वो एक तरह का रिट्रो वायरस होता है, ठीक है। तो रिट्रो वायरस, रियो वायरस, टीएमवी वायरस जो कि आपका टबाकू मोजैक वायरस है, या बैक्टीरियोफाज की बात करें तो बैक्टीरियोफाज के अंदर भी हमारा आरएनए होता है, ठीक है, एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए की टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला आरएनए करते हैं आरआरएनए। आरआरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। ये सबसे मैक्सिमम मिलने वाला आरएनए होता है, जो कि लगभग 80% तक प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम राइबोसोमल आरएनए। सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल आरएनए जो होता है वो हमारा आरआरएनए होता है, ठीक है, दिस इज मोस्ट स्टेबल आरएनए। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। अब देखो ये बनता कहाँ पे है, तो देखो जितने भी आरएनएज होते हैं वो मोस्टली एमआरएनए का फॉर्मेशन
ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में इसका फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोमल जो सब यूनिट्स होती हैं उनमें आरआरएनए होता है, ठीक है। आरआरएनए का मेन काम क्या है, ये राइबोसोम फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब सिंपल सी बात है, राइबो प्रोटीन सिंथेसिस, आपको एक चीज ध्यान होगी कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना, तो डीएनए से जो आरएनए बनता है वो बनता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है किसके साथ में मिलके, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम को इसीलिए अपने प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, आर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए का मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि ये मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए, इन दोनों ही आरएनए इसको क्या करता है, अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड अच्छा अटैचमेंट साइट, एमआरएनए और टीआरएनए दोनों को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है, क्योंकि राइबोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती हैं, ठीक है। अब देखें, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम्स होते हैं। 70S जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, 50S और 30S। लेकिन यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं वो 60S और 40S से मिलकर बनते हैं। देखो तो ये 80S क्या है, ये राइबोसोमल सब यूनिट्स है, मतलब आर आर एन ए की यूनिट्स होती हैं ये, ठीक है। तो आर आर एन ए की यूनिट्स, अब जैसे 60S की अगर बात करें तो 60S के अंदर तीन आर आर एन ए की सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, तीन आर एन ए की सब यूनिट्स होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 28S, 5.8S और एक 5S। और इसी टाइप में जो हमारी 40S है उसके अंदर एक ही सब यूनिट होती है, दैट इज 80S। एस स्टैंड्स फॉर श्वेदबर कांस्टेंट है, ये श्वेदबर यूनिट है, ठीक है, या सेडिमेंटेशन रेट होती है राइबोसोम्स की। तो इसमें सिर्फ एक ही आरआरएनए की यूनिट होती है 80S, उससे मिलकर आपकी 40S बनती है। अब बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट का जो 50S यूनिट है वो बना होता है 23S एंड 5S यूनिट से, और जो 30 वाला है वो बना होता है 16S यूनिट से। इसमें जो आर आरएनए की जो सब यूनिट्स होती हैं वो होती हैं 23S, 5S, 16S और इसमें 25, 28, 5.8, 5 और 18S, ठीक है। तो 50S के अंदर दो टाइप के आर आरएनए ये, 70S में दो टाइप के आर आरएनए ये। तो इस तरह से आर आरएनए सब यूनिट से आपका राइबोसोम बना होता है, ठीक है। तो राइबोसोम की दो सब यूनिट, उनमें आर आरएनए जो होते हैं वो ये आर आरएनए होते हैं। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसका फंक्शन जो है मेन वो है अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग 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 प्रोटीन सिंथेसिस, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट टू एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स के ऊपर इन दो एमआरएनए और टीआरएनए को चिपकाता है, ठीक है।
और इनके बीच में सॉल्ट लिंकेज बनाता है। टीआरएनए, अब एक बात ध्यान रखेंगे, राइबोसोम की दो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एक बड़ी यूनिट होती है और एक छोटी यूनिट्स होती हैं। दोनों यूनिट्स जो जुड़ी होती हैं वो MG+2 से जुड़ी होती हैं, MG+2 रिक्वायर्ड होता है इनको जुड़ने के लिए। अब देखो, तो टीआरएनए जो ऑलवेज जुड़ता है, टीआरएनए जो ऑलवेज जुड़ता है वो बड़ी साइट के साथ में, लार्जर सब यूनिट के साथ में जुड़ता है। और जो हमारा स्मॉल सब यूनिट है, इस स्मॉल सब यूनिट के साथ में जो जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को, ये जोड़ता है स्मॉल सब यूनिट के साथ में। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो सॉल्ट लिंकेज बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरआरएनए के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। तो आरआरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। न्यूक्लियोलस कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमारे जो आरएनएज हैं वो बन कहाँ रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, ठीक है। डीएनए से डायरेक्ट बनता है मैसेंजर आरएनए, बट न्यूक्लियोलस के पास में, न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोमल सब यूनिट्स को बना के भेजता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, साइटोप्लाज्म में जाके ये असेंबल होके आपका राइबोसोम्स बनाती हैं, ठीक है।